पोंजी स्कीम बाइक वोट जो कि पिछले काफी समय से चर्चाओं का विषय बनी हुई थी, एक बार फिर अपनी धोखाधड़ी के चलते चर्चाओं में है। बाइक वोट के नाम से संजय भाटी ने लाखों निवेशकों का पैसा हड़प कर उन्हें रिटर्न के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिया है। अब तक ना जाने कितने लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। बाइक वोट का मामला ज्यादा तब गरमाया जब जयपुर के एक व्यक्ति ने दादरी थाने में बाइक वोट के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद जैसे धोखाधड़ी की शिकायतों की लाइन सी लग गई। जानकारी के मुताबिक मेरठ मोदीपुरम निवासी ऋषि पाल सिंह यूपी पुलिस से रिटायर्ड सीओ हैं। इन्होंने अपने बेटे आदित्य सिंह के नाम से 14 मई को बाइक वोट कंपनी में 1,86,000 रुपए बाइक टैक्सी के लिए निवेश किए हैं। उनका आरोप है कि नवंबर के बाद से ही रिटर्न नहीं मिली है। आप उसको गलत सूचना करें। क्यों डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करे? क्यों आपने जमा करे डॉक्यूमेंट्स? कंपनी में वही जाते हैं, सब लोग हेड ऑफिस में जाते हैं। अच्छा, वहाँ ट्रेनिंग होती है। कंपनी को अलाउ नहीं है, जैसे कंपनी को अलाउ नहीं है। क्या है कंपनी ने क्या लिया? शेयर ऑफ कंपनी की तरफ कुछ है। पहले है बाइक बोर्ड जो है वो मुझे शहर में चला रहा है तो उसने भी और जो डॉक्यूमेंट्स ने लिए, केवल इन्होंने और जो डॉक्यूमेंट्स लिए 62,000 चेक लिया और हाजिर कागज लिए। हां यहां जमा करें? हां जी, हां जमा करें। नहीं कोई दिए मैंने? क्यों यहां जमा हुए आपके पास? यहाँ से जमा होते सब हेड ऑफिस जाते हैं, इनके वहाँ पे जब ये ट्रेनिंग पे जाते हैं और फॉर्म भरा जाता है और वहाँ पे सब लिखा जाता है किसने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है और जो छोड़ कर जाता है वो तो अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाता है। ऐसा सुनो भाई साहब, वो पूछ लीजिए भैया, तो वो क्लियर भाई करा इनसे 20-25,000 सैलरी ना ही कर रहा हूँ। त्योहार आ रहा है का ब्याज लेके पहले आ जाए।